अगर आप कहते हैं अक्यूज विद हैव, यानी वर्ड अक्यूज के बाद विद बोलते हैं, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए अक्यूज ऑफ हैव। अगर आप कहते हैं असेम्ड फ्रॉम, तो आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए असेम्ड ऑफ। अगर आप कहते हैं रिजॉइस एट माय सक्सेस, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए रिजॉइस इन माय सक्सेस, यानी वर्ड रिजॉइस के बाद एट नहीं बल्कि इन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कहते हैं सीक फ्रॉम लाइफ, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए सीक ऑफ लाइफ। अगर आप कहते हैं लव विद म्यूजिक, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए लव फॉर म्यूजिक। अगर आप कहते हैं कम इन द रूम, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए कम इन टू द रूम। अगर आप कहते हैं गेट रीड फ्रॉम, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए गेट रीड ऑफ, यानी फ्रॉम की जगह पर ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कहते हैं रिलेटेड विद अ मैन, आपका सेंटेंस गलत है। आपको कहना चाहिए रिलेटेड टू अ मैन, यानी विद की जगह पर टू का इस्तेमाल करना चाहिए।